रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट टू द पॉइंट एक ऐसी जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स को प्रिलियम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीलियम से पूछे जा सकते हैं और उनसे क्या क्या पूछा जा सकता है और टॉपिक को पॉइंट वाइज वैसे ही कवर करते हैं कि प्रिलियम्स के अंदर आपको उस टॉपिक को अटेम्प्ट करने में कोई भी परेशानी ना आए प्लेटफॉर्म प्रिपेयर यू फॉर यू पी एस सी एंडियस एग्जामी थ्री इय ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड ट्वेंटी पॉइंट के अंदर हम जो बात करते हैं वो बेसिकली होती है करंट <coughs> अफेयर्स की प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द अदर हैंड इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन्स ये थोड़ा हॉलिस्टिकली आपके करंट अफेयर्स का जो है वो पूरा कर देता है and the course runs both in offline and online format plus you get a 7 days free trial for this particular course link is down there in the description so is course ke andar hoga kya ki aapko ab kis tarike se cover hota hai yahan pe number 1 number 1 is the class जो so, कि हम सैटरडे एंड मंडे को लेते हैं विच इज वीकली करंट अफेयर्स की एक क्लास रहती है ये और इसके अंदर जो पिछला वीक जो गया होता है उसके जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसको इन दो क्लासेस में कवर करते हैं बहुत होलिस्टिकल तरीके से कि उसमें प्री का भी और जो मेंस है वो भी कवर हो जाता है जैसे टू द पॉइंट के अंदर तीन वीडियोस आती हैं हफ्ते की ट्यूसडे वेंसडे एंड फ्राइडे को इसकी तीन वीडियो आती हैं तो दैट मीन्स कि आपका एक हफ्ते में तीन टॉपिक्स जो है वो प्रीलियम के लिए कवर हो रहे हैं ऑन दी अदर हैंड इस एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर देर आर मोर देन टेन टॉपिक्स जो कवर होते हैं बहुत प्रिसाइज तरीके से डिस्कशन बेस्ड तरीके से कि एक बार आपके दिमाग में घुस जाएगी क्या चल रहा है तो फ्री ट्रायल आई ऑलरेडी टोल्ड यूट लिंक आप खुद एनालाइज कीजिए है, क्या होता है क्लास में, पिछले हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं इश्यूज भी होते हैं सब कुछ होता है उसके अंदर एक वीकली करंट पीडीएफ नंबर थ्री है करंट अफेयर से सो so, एक होलिस्टिकल तरीके से आपका जो है करंट अफेयर्स एज अ मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है सो अगेन आई रिमाइंड यू दैट लिंक इज डाउन देयर एटलीस्ट आप ट्रायल लेके थोड़ा सा यू नो ट्रस्ट योर जजमेंट आफ्टर दैट पर एक बार ये ट्राई जरूर कीजिए उसको अभी आज के टॉपिक पे चलते हैं अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसका जो कुछ अंश है आपको जो है मेन्स में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है अभी हम इसको थोड़ा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है कितने साइकल्स हैं और होती क्या है पेरेनियल राइस तो यहां से शुरू करते हैं हम इसको है ना फार्मर्स इन चाइना आर नाउ ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ राइस दैट डू नॉट नीड द नीड टू बी प्लांटेड एवरी ईयर तो मतलब एक बार ही आपकी जो है वो फसल लग गई है और हार्वेस्ट आप बार बार करते रहते हो आपको हर साल प्लांट करने की जरूरत नहीं है दिस इज पेरेनियल राइस और इसका नाम है पी आर ट्वेंटी थ्री रीसीडिंग यानी कि आपको दोबारा प्लांट करने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा से सीड्स प्लांट करने की या सैपलिंग्स प्लांट करने की जरूरत नहीं है वंस आपने प्लांट कर दिया तो ये आपको ईयर बाय ईयर उसकी जो रिटर्न है वो आपको मिलती रहेगी उसको ईयर बाईर हार्वेस्ट करते रहोगे चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कि क्या चीज है ये और आगे अनलाइक रेगुलर राइस विच इज प्लांटेड एवरी सीजन पी आर ट्वेंटी थ्री कैन यील्ड एट कंजेकेटिव हार्वेस्ट अक्रॉस फोर इयर्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज दीज प्लांट्स विथ स्ट्रॉगर रूट ग्रो बैक विगरसली ग्रो बैक विगरसली आफ्टर ईच हार्वेस्ट वो कैसे होता है क्यों होता है वो भी हम देखते हैं अभी फार्मर्स प्रॉफिट फ्राम पेरे रेंज फ्रॉम सेवनटीन परसेंट टू वन सिक्सटी वन परसेंट अब जो कि हमारी सीजनल राइस है उससे जो इसकी प्रॉफिट uh, है वह ज्यादा है अब प्रॉफिट के अंदर देखो प्रॉफिट ज्यादा होने के कई सारे रीजन है इसका प्रोडक्टिविटी uh, तो एक है ही है कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ऑन दी अदर हैंड अगर आपने राइस एक बार लगाई है तो आपकी इनपुट कॉस्ट भी एक बार लगी है आपकी लेबर भी एक बार लगी है तो वो सारी कॉस्ट भी कट होती है तो दैट ट्रांसलेट्स इन टू वॉट

The perennial varieties were preferred by farmers since it saved 58% in labor cost and 49% in other input cost over each regrowth cycle. <coughs> issues देखते हैं इसके साथ कि issues क्या हैं। अब देखिए क्योंकि perennial rice है और अब इसको बार 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 harvest कर रहे हो तो over the years पहली harvest से लेके आठवीं harvest तक आपकी जो productivity है वो एक decline पे आएगी। चलिए let's see

तो जब आपको लगाना है तो ये इशू है कि इसको निकालना और नया प्लांट लगाना इट्स अ टास्क इन इट सेल्फ इशू वीड्स बिकॉज फार्मर्स डू नॉट टिल एंड एंड एज विद राइस ट्रिक्वेंटली बिल्डअप इन दॉल एंड वीड्स एंड इंसेक्ट्स वीड्स आर दिन प्लांट्स वीड्स एंड इंसेक्ट्स कैन प्रॉस्पर इन द फील्ड्स तो ये भी एक प्रॉब्लम है आपने खेत अगर ऐसे छोड़ रखा है तो उसके अंदर जो नेचर है वो भी टेक ओवर करने की कोशिश करेगी हर्बिसाइड ट्रीटमेंट अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसमें फार्मर्स नीडेड टू स्प्रे हर्बिसाइड ट्रीटमेंट मोर ऑफन ऑन द दील्ड प्लांटेड विथ पी आर ट्वेंटी थ्री अब ये ओवरऑल बड़ी प्रॉब्लम में ट्रांसलेट हो सकता है दिस इज टूडे टॉपिक जिसके अंदर हमने पूरा इसका, इसका इश्यू देखा है और इसका जो सवाल है वो आपको पी आर ट्वेंटी थ्री के नाम से भी आ सकता है है ना और ये प्रोडक्टिविटी की कैसे है और आठ सीजन वाले जो हमने तीन चार चीजें करी हैं ये सारी चीजें आज के टॉपिक में थोड़ी इंपॉर्टेंट है एंड वंस अगेन आई रिमाइंड यू यू टू चेक आउट द कोर्स हैव डेज फ्री ट्रायल यू गेट थ्री थिंग्स विच वन क्लास देन वी हैव वीकली पी डी एफ एंड हमारा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है एंड बी स्टूडेंट्स के साथ में जस्ट बिफोर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग आई शुड आई मस्ट शेयर दैट आई वॉज इंटरेक्टिंग स्टूडेंट्स ऑन हाउ थिंग्स आर इस क्लास के बाद में आपको कुछ फायदा टाइप हो रहा है या नहीं है क्योंकि न्यूज तो आप पर्सनली भी पढ़ते ही हो है ना मैगजीन आप खुद भी पढ़ते ही हो या शायद नहीं भी पढ़ते होंगे बट देर इज अ डिफरेंस कि न्यूज से उठाना क्या है कि यूपीएससी आपसे पूछेगा क्या है ना तो इस क्लास के अंदर आप सिलेक्शन ऑफ करंट अफेयर से ज्यादा आप रिजेक्शन ऑफ करंट अफेयर भी सीखते हो और सिलेक्शन के अंदर आप ये सीखते हो कि हाउ टू सेलेक्ट व्हाट टू सेलेक्ट इन पर्टिकुलर करंट अफेयर कि इसमें से पूछा क्या जाएगा और थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड की रिसर्च वर्क कि अभी न्यूज ये चल रही है है ना अभी जैसे अगर कोई मस्जिद में फीमेल एंट्री बैन की है तो उससे रिलेटेड केसेस कौन कौन से हो चुके हैं है ना तो ये छोटी छोटी चीजें स्किप हो जाती हैं एंड वेन टीचर इज डूइंग फुल टाइम वर्क फॉर यू गाइज ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इट मेक्स योर लाइफ इजियर तो चेक इट आउट लिंक इज डाउन देयर माई नेम इज रोहित गर्जा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन यू आई